हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक शेलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्लाइस के बिल को नो कॉस्ट ईएमआई में कन्वर्ट करना सीखेंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि बाबा स्लाइस के बिल को हमको नो कॉस्ट ईएमआई में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते, या फिर बहुत सारे लोगों ने खाली सुना होता है या फिर देखा होता है कि बाबा नो कॉस्ट ईएमआई स्लाइस से हम कर सकते, या फिर सुना होता है कि बाबा नो कॉस्ट ईएमआई कर सकते, पर लोगों को पता नहीं होता कि नो कॉस्ट ईएमआई एक्चुअल में किया कैसे जाता है और कितने मंथ तक नो कॉस्ट ईएमआई होता है। तो मैं आप लोगों को सारा कन्फ्यूजन इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बिल आपका कितना भी हो, स्पेंडिंग अपनी कितनी भी हो, उस बिल को जब भी बिल आता है तो बिल आने के बाद आपको नो कॉस्ट ईएमआई में बिल पेमेंट करते समय ऑप्शन मिलता है। उससे पहले आप उसको नो कॉस्ट ईएमआई में या फिर ईएमआई में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ईएमआई में आपको कन्वर्ट करना है तो बिल आने तक का इंतजार करना पड़ेगा, और जब आपका बिल आता है तब आप उसे नो कॉस्ट ईएमआई या फिर ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते। 3 मंथ तक आप लोगों को नो कॉस्ट ईएमआई रहता है, मतलब आप फुल पेमेंट करोगे तो भी यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे विदाउट चार्जेस हो सकता है। 2 महीने की किस्त में करोगे तो भी विदाउट चार्जेस होगा, या फिर 3 मंथ की किस्त में करोगे तो भी विदाउट चार्जेस होगा। उससे ज़्यादा अगर आप मतलब ईएमआई चॉइस करोगे तो उसके ऊपर आपको उसके हिसाब से चार्जेस लगेंगे। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को करते हैं शुरू, और उसमें जाके मैं आप लोगों को क्लियरली सारी बातें आपके सामने करके दिखाऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम आ गए अपने मोबाइल अकॉर्डिंग स्क्रीन की ओर। सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा स्लाइस एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे मैं स्लाइस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़िलहाल के लिए ओपन हो रहा है। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन दिखेगा, तो आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक प्लान सेलेक्ट करके रखा था, उसको सबसे पहले रिमूव कर लेता हूँ। उसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर एरो पे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेंज प्लान वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना पड़ेगा। आपके पास फ्री वाले 3 प्लान होते हैं। एक तो आपको फुल पेमेंट करना पड़ेगा, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। अगर आप 2 महीने का ईएमआई करोगे तो भी आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगने वाला है। अगर आप 3 मंथ का ईएमआई करने वाला हो तो भी आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना, मतलब 0 चार्जेस में आप 3 महीने तक यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। तो प्लान चॉइस करना एकदम आसान है, आप कोई भी एक प्लान चॉइस कर सकते हो। अगर आपको इससे ज़्यादा मंथ का ईएमआई करना है, आपका अमाउंट कोई बड़ा हो और आपको ज़्यादा बड़ा ईएमआई करना है, तो आप लोगों को यह मोर प्लान पे क्लिक करना है। मोर प्लान में आपके पास यहाँ पे 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, 15 मंथ और 18 मंथ के यहाँ पे प्लान अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे इसमें से जो भी प्लान सिलेक्ट करना है वो प्लान सिलेक्ट कर सकते हो। बट 3 महीने से ज़्यादा का आप जो भी प्लान सिलेक्ट कर ले, जैसे कि 6 मंथ हो गया, 9 मंथ हो गया, 12 मंथ हो गया, 15 या फिर 18 मंथ हो गया, उसके ऊपर आप लोगों को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 6 मंथ का अगर मैं प्लान चॉइस करूँगा तो मुझे यहाँ पे 407 रुपीज़ का इंटरेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। वैसे मैं 9 मंथ का सिलेक्ट करूँगा तो 645 इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा। वैसे 12 मंथ का सिलेक्ट करूँगा तो 893 मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं 15 मंथ का सिलेक्ट करूँगा तो भी मुझे यहाँ पे 1147 रुपीज़ मुझे देने पड़ेंगे, और यहाँ पे मैं अगर 18 मंथ का सिलेक्ट करूँगा तो 1403 रुपीज़ मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो अमाउंट यहाँ पे बढ़ता जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे प्लान चेंज कर रहा हूँ वहाँ पे अमाउंट चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे आपको 3 मंथ का सिलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों, आपको ईएमआई करना है इसलिए आपको आप अपने हिसाब से 3 मंथ 2 मंथ यहाँ पे चॉइस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे 3 मंथ तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे 3 मंथ का प्लान सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू करना है। मुझे यहाँ पे पूरा पेमेंट करना है तो मैं यहाँ पे फुल पेमेंट ही रहने दूंगा, क्योंकि मुझे इसे ईएमआई में कन्वर्ट नहीं करना है। सेव प्लान पे क्लिक करना है। आप लोगों को 3 मंथ का करना है तो आप लोगों को 3 मंथ का सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम पे नाउ पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें पे नाउ यहाँ पे ऑप्शन दिख जाता है और आपके ट्रांजेक्शन की डिटेल्स दिखती है। तो हम यहाँ पे नाउ पे क्लिक करते हैं। हम यहाँ पे यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, या फिर भीम एप्लीकेशन के थ्रू, गूगल पे के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। चलिए मैं गूगल पे वाला ऑप्शन चॉइस करूँगा, और इसके बाद पे यूजिंग गूगल पे मैं टैप करूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग हो जाएगा, चला जाएगा गूगल पे में। यहाँ पे गूगल पे में चला गया। गूगल पे में खाली मुझे यहाँ पे मेरा बैंक सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मेरा पिन एंटर करना है। तो चलिए मैं प्रोसेस टू पे कर लेता हूँ मेरा यूपीआई। तो हमने हमारा यूपीआई पिन भी यहाँ पे एंटर कर लिया। तो सिंपली हम राइट मार्क पे क्लिक कर लेते और यहाँ पे पेमेंट हमारा प्रोसेस हो रहा है। विद इन कुछ सेकंड में हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और यहाँ पे वापस से रिडायरेक्ट करेगा स्लाइस एप्लीकेशन में। यहाँ पे आप देख सकते हो पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो गया है। हमें एक स्क्रैच कार्ड आया है, हम इस स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करते हैं।
तो यहाँ पे स्क्रैच कार्ड को हमने स्क्रैच किया तो 4 रुपये का कैशबैक हमें यहाँ पे मिल गया। हमारा पेमेंट पूरी तरह से यहाँ पे पेड हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने आप लोगों को EMI में कन्वर्ट करने का भी प्रोसेस दिखाया, साथ ही साथ अगर आपको पूरा पेमेंट करना है तो पूरा पेमेंट का भी यहाँ पे प्रोसेस दिखाया। मैंने फुल वाला पेमेंट मोड चॉइस किया था, मतलब प्लान चॉइस किया था। अगर आप EMI वाला चॉइस करोगे तो आपको EMI हो सकते हैं, 3 महीने तक आप नो कॉस्ट EMI कर सकते हो, उससे ज़्यादा का करना है तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। बस आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। ऐसे इंटरेस्टेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ, तो ऐसे वीडियोज़ पाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और आगे आने वाली बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।